हम सभी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोचना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसके बावजूद हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग एक प्रकार की नेगेटिव हैबिट है जो कई तरह के हेल्थ इश्यूज को जन्म देती है। आपने कभी ना कभी खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए महसूस किया होगा। यही आदत धीरे धीरे व्यक्ति को गंभीर रूप से अपना शिकार बना लेती है और आप दिन प्रतिदिन नकारात्मक विचारों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यह सब जानने के बावजूद अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो ये टिप्स आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। यदि हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने की जगह किसी तरह के प्रोडक्टिव चीजों को सोचने में लगाएं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक ओवरथिंकर नकारात्मक विचारों के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, जिसके कारण आमतौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलते हैं। इस समस्या के लिए किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो इससे निजात पाने के लिए खुद पर भरोसा करते हुए कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं किस तरह आप ओवरथिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। पहले जानिए ओवरथिंकिंग किस तरह सेहत के लिए नुकसानदायक है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं बल्कि एक नकारात्मक आदत है। इसका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों का कारण होने के साथ आपके इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। नियमित रूप से ओवरथिंकिंग करने की आदत आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से ग्रसित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर ओवरथिंकिंग के कारण नींद की कमी, हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। यह आपको मोटापे का कारण बना सकता है। अब जानते हैं ओवरथिंकिंग के कुछ लक्षण के बारे में। पहला, निर्णय लेते वक्त भ्रमित होना, क्रोध एवं तनाव में रहना, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना, अकेलापन, बार बार विचारों का दोहराना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का होना। अब जानते हैं ओवरथिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। पहला, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। यदि आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो आप मनपसंद कार्यों में व्यस्त होकर खुद को नकारात्मक विचारों से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप चाहें तो वर्कआउट क्लास या फिर पेंटिंग जैसी गतिविधियों में भाग लेना उचित रहेगा। गहरी सांस लें। ओवरथिंकिंग मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस लें। यह आपको रिलैक्स रखेगा। इसके साथ ही यह आपके दिमाग में चल रहे विचारों को अवॉइड करने में मदद करेगा। मेडिटेशन। यदि आप एक ओवरथिंकर हैं, तो आपको नियमित रूप से मेडिटेशन करने की आदत बनानी चाहिए। यह आपके दिमाग में चल रहे थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट होने में मदद करेगा। वही यह दिमाग को शांत रखता है और आप ओवरथिंकिंग की वजह से तनाव के शिकार नहीं होते। रात को काम से लौटने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करें। यह आपको अंदर सकारात्मक विचारों को स्थापित करता है। अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। सभी व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है जहां पहुंचकर वह ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। अपने ट्रिगर पॉइंट पर पकड़ बना लेना भी ओवरथिंकिंग की समस्या से निदान पाने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आप परेशान हो रहे हैं तो खुद को एक सकारात्मक एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जिसे आप खुद ठीक नहीं करना चाहते तो इसे कोई दूसरा व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता। परफेक्शनिज्म में ध्यान देना कम कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज परफेक्टली करने की आदत होती है। ऐसे में यदि कोई चीज कभी पूरी ना हो पाए तो वह खुद को दोषी ठहराने लगते हैं और बेफिजूल की बातों को सोचते हुए
ओवरथिंकिंग जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने दिमाग से परफेक्शनिज्म जैसी बातों को निकाल दें, क्योंकि गलतियां होंगी तभी तो हम उन गलतियों से सही चीजों को करना सीखेंगे।